अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे नमकीन काजू स्नैक्स। बिल्कुल इजी मेथड में बनाकर रेडी करेंगे आज हम। अगर ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बनाना शुरू करेंगे स्नैक्स के तौर पर, बच्चों का फेवरेट। चलिए बनाना शुरू करेंगे आप। देखिए कितने अच्छे स्नैक्स बनकर रेडी हो रहे हैं। अब क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे, उसमें मैदा ऐड कर देना है। एक 300 ग्राम मैदा है ये, 300 ग्राम मैदा ले लेंगे। अब क्या करेंगे, नमक डाल देंगे। एक 1 टीस्पून नमक ऐड कर दी मैं, आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए। नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करना है। ये अजवाइन है, ये 1 टीस्पून अजवाइन ऐड कर दी मैं। अजवाइन से फ्लेवर एकदम चेंज हो जाता। ये बेकिंग सोडा है 1/2 टीस्पून, ये बेकिंग पाउडर है ये भी 1/2 टीस्पून। क्वांटिटी दोनों की सेम रहना है। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए एक 1 टीस्पून घी ऐड कर देंगे अपन। घी भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। अब क्या करना है, पूरे घी को मैदे से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद पानी थोड़ा थोड़ा डालकर गूंद लेंगे अपन। इस तरह से अच्छे से गूंद लेंगे। एक अच्छा स्मूथ सा बैटर बनाकर बतलाऊंगी मैं आप लोग को गूंद कर। आटा देखिए इस तरह से गूंद लेना है, एकदम लूज भी रहना नहीं है आटा, इस तरह से रहना है हार्ड थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, अपन ऊपर से जो मसाला डालते हैं स्नैक्स में वो तैयार कर लेंगे। ये थोड़ा सा चाट मसाला ले ली मैं, 1 टीस्पून चाट मसाला है ये। अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग। ये नमक है थोड़ा सा, 1-2 चुटकी। ये लाल मिर्च पाउडर 2 चुटकी। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर दी मैं, ये भी 1/2 टीस्पून है। अगर स्नैक्स आपका ज़्यादा है तो ज़्यादा मसाले ऐड कर सकते हैं। बस अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरा, एक साइड में रख लेंगे ये मसाले पूरे मिक्स कर लेके। अगर स्पाइसी ज़्यादा खाना आप चाह रहे हैं तो ज़्यादा मिर्ची ऐड कर सकते हैं आप लोग। और अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा ले लेंगे हाथ में, ले लेकर इस तरह से बेल लेंगे। एकदम पतला भी बेलना नहीं है अपने को, ज़रा मीडियम रखना है। शेप थोड़ा सा कैसा भी आड़ा टेढ़ा बेल सकते हैं आप लोग, मगर थोड़ा सा मोटा रहना है, एकदम बिल्कुल पतला करना नहीं है। देखिए इस तरह से। अब क्या करेंगे, कौन सा भी कटर ले लीजिए आप, राउंड शेप में इस तरह से छोटा सा राउंड में कौन सा भी कटर ले सकते हैं। मैं इस तरह से राउंड से एक कटर ले ली। इस तरह से देखिए आप लोग, ये शेप दे देना है, जो काजू रहता काजू की तरह ये शेप दे देंगे अपन। और एक ही एंगल में कट करते जाना है इस तरह से। देखिए कितना अच्छा काजू का शेप आ गया। इस तरह से पूरे कट करके बताऊंगी मैं, एक ही लेवल में चलना है इस तरह से। देखिए कितना अच्छा शेप बन गया हमारा काजू का, इस तरह से पूरे कट करके। देखिए डीप फ्राई करने के लिए रख ली मैं, ऑयल तो पहले से ही गर्म हो गया। अब एक एक डाल देंगे अपन इस तरह से, एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में मत डालिए। देखिए इस तरह से फूल कर ऊपर आ गए, इस तरह से ही आना है। और एकदम लो फ्लेम पर ही अपने को गोल्डन ब्राउन करना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। और थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँगी मैं। देखिए कितना अच्छा शेप बनकर रेडी होगा इजी मेथड में, अपने घर के मसालों में ही कितना अच्छा स्नैक्स बनकर रेडी हो गया। और थोड़ा सा कलर चेंज हुए तक फ्राई कर लूँगी मैं, और लो फ्लेम पर ही करना है फ्राई इसको, ज़्यादा मीडियम और हाई फ्लेम करना नहीं है।
एकदम खस्ता बनकर रेडी होने वाले हैं ये। मसाला काजू की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग घर पर ही, बाहर के जैसा टेस्ट रहता, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, हलवाई स्टाइल है ये। चलिए बन अभी सर्व करके बताऊंगी मैं, पूरे फ्राई करके बतलाऊंगी आप लोग को इस तरह से। ये आप लोग डेढ़ दो महीना भी एयर देखिए ये कलर आना है स्नैक्स का, आप लोग डेढ़ दो महीना भी स्टोर करके रख सकते। चलिए डिश आउट करके बताऊंगी मैं।